नमस्कार, आप देख रहे घर पर नजर और आइए आज कुछ बड़ी खबरों में नजर आते हैं। जहाँ खबर वहाँ खबर पर नजर की टीम आपको लगातार अलग अलग क्षेत्रों का अपडेट दे रही है। हम इस वक्त राजवाड़े पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख रहे हैं चारों तरफ काफ़ी भीड़ है और एक अव्यवस्थित बाजार यहाँ संचालित हो रहा है। देखा जाए तो नगर निगम को इस मामले में खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नगर निगम को यह पूरा बाजार व्यवस्थित संचालित करवाना चाहिए। दुकानें आदि आदि सड़कों पर लग गई है, निकलने की जगह नहीं है कि जो खरीदार आ रहे हैं उनको गाड़ी खड़ी करने की भी जरूरत नहीं है। अभी आप मैं पीछे बताऊंगा, एक लड़की की तबीयत खराब हो गई थी अचानक यहाँ पे और एडिशनल एसपी ट्रैफिक रंजीत देवके ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए मातहत कर्मचारी को कहा और उसको रिक्शे से अस्पताल पहुँचाया। इस प्रकार के घटनाक्रम बताते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा कम से कम नगर निगम को यहाँ इतना हस्तक्षेप करना चाहिए और बाजार को व्यवस्थित रखना चाहिए। पूरी सड़कों पर बाजार संचालित हो रहा है और यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हमारे साथ है एडिशनल एसपी ट्रैफिक श्री रंजीत देवके जी। सर, अभी हाल ही में एक बालिका की तबीयत खराब हो गई, आपने इंस्ट्रक्ट किया और ताबड़तोड़ उसे रिक्शे से लेके गए, यातायात पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, नगर निगम की अपनी भूमिका सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? राजवाड़ा जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी मार्केट फिर आगामी त्यौहार की दृष्टि में बहुत कमजिक आ रही है और ये जो दुकानें लगी है जी, अगर नगर निगम आके यहाँ पे इसको व्यवस्थित कर दे जी, काफ़ी स्पेस हो सकता है जी और यहाँ व्यक्ति को पैदल निकलना तो आसानी होगी जी। सर, जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है कि भीड़ उमड़ रही है यहाँ, इस हिसाब से कभी मान लो अभी बालिका की तबीयत खराब होगी, क्या एक एम्बुलेंस वगैरह होना चाहिए या कोई होना चाहिए? बिल्कुल, एक एम्बुलेंस होना चाहिए, कोई बीमार हो जाए, किसी को कुछ भी बीमार हो सकता है जी, गाड़ी हो एम्बुलेंस जी, कल अस्पताल जी। आप देख रहे हैं यातायात पुलिस के एडिशनल एसपी श्री रंजीत देवके जी भी यहाँ के लोगों को कर रहे थे। अगर आप देखा जाए यहाँ महिलाओं को वॉशरूम के लिए भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है कि यहाँ एकमात्र वॉशरूम जो है राजवाड़े पर जहाँ बना हुआ है वहाँ उस वॉशरूम के आसपास ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें संचालित करना शुरू कर दी है। हम महिला ऐसे में जाए तो कहाँ कैसे जाए, कम से कम यहाँ एक एम्बुलेंस और एक चलित वॉशरूम तो कम से कम होना ही चाहिए। खबर पर नजर रखें, इंदौर राजवाड़ा से संजय नजान और शैलेंद्र श्रीमान की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है तो आज ही लगाएं नई टेक्नोलॉजी वाली कान की मशीन मात्र 1600 रुपए में। जी हाँ, आपने सही सुना, कान की मशीन 1600 रुपए में। अभी ऑर्डर करें कान की मशीन। क्या आपको आपके परिवार में किसी को बवासीर, भगंदर, मसी की समस्या है? जलन व दर्द से मुक्ति पाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें और आज और अभी कॉल करें। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।